निर्णय नहीं लिया गया है, कोई भी ऐसी अगर बात है मैं इस पे जांच करूंगा और अगर ऐसी कोई बात निकलती है तो उस पे सख्त कार्रवाई भी करेंगे। कार्रवाई क्या करेंगे, ये सब आप ही लोगों का था पिछले दो साल पहले पहले से आते थे ना तहसीलदार साहब को तो सब जानकारी है, उन्होंने अपनी तरफ मेरा पर्सनली का अगर पूछे बाबा जी मेरा कोर्ट था, मैं तो जल्दी बस निकलने के उसमें था, मेरा कोर्ट था, मैं बिल्कुल अभी खत्म करते ही मैं सारे जो है खत्म करते ही वो मैं आ रहा हूँ बाबा जी हर चीज। एक दो दिन पहले से जानकारी भी करनी चाहिए ना, हमारे पास आते हैं ना हर साल अधिकारी लोग, हर साल तहसीलदार साहब को तो पता है, तहसीलदार साहब को पता है, आपके लक्ष्मी राधा कृष्ण मंदिर में जो रुकने के प्रबंध होने हैं उनको भी मैंने बताया आज कि इनका प्रबंध होना है, उनको जानकारी नहीं थी, राधा कृष्ण मंदिर में जो प्रबंध होना है उनको जानकारी नहीं थी। यहाँ पे सुनो, हाँ कौन अपने जो गुलाटी था गुलाटी भवानी शर्मा जी प्रधान, तो वहाँ पे भी प्रबंध कराए हैं, ऐसी बात नहीं बाबा जी। ऐसा सर फॉर कम्युनिकेशन ये हमारे टेंपल के बेटी के शक्ति में है, तो ऐसा होता है पहले सारी व्यवस्था जब छड़ी शुरू हो रही थी ना उससे पहले ऐसा होता था मीटिंग होती थी, मीटिंग होती थी, लेकिन इस बार जब ये मैं उसको मैं मिली तो उसके बाद नहीं मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खुद से भी हमको ऐसे करना चाहिए था, इधर से प्लानिंग से कमी है, मैं आप सही कह रहे हैं, ये मैं मान रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ इस चीज़ की बात, और इस चीज़ से मैं जांच भी करूंगा। हाँ जी, अपनी जगह पहले मंगलेश जी सुनाओ, इन्होंने मीटिंग भी करी है, उसका पत्राचार भी करा है, उसको मेरे को पत्र भी दिया हुआ कि इतनी तारीख को मतलब पूरी कर रखी है, उसमें कोई वो नहीं है, कागजी फॉर्मेलिटी बिल्कुल पूरी कर रखी है, परंतु ग्राउंड में कुछ हुआ नहीं है, खाली कागज। बाबा जी एक चीज सुनो, फिर मंदिर कमेटी बनाने का फायदा क्या है, मेरे को ये चीज बताओ, मंदिर कमेटी बनाने का फायदा ये है कि जैसे कोई फंक्शन होता है जैसे छड़ी चलेगी तो उनकी ड्यूटी है, हमारी तरफ से बाबा जी मैं इस चीज के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे और हमारी टीम को भी इस चीज के लिए कृपया माफ कर दें और ये आगे से ऐसा नहीं होगा, है ना।